नमस्कार, मैं हूं यश खुराना और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। इससे पहले कुछ बताऊं, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई बहन के लिए खास होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। भाइयों की ओर से भी इस मौके पर अपने सामर्थ्य के मुताबिक बहन को उपहार देने की परंपरा है। हर साल सावन के आखिरी दिन पूर्णिमा के मौके पर मनाए जाने वाले रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 15 अगस्त को पड़ रहा है, यानी कि आज है। खास बात यह भी है कि इस बार रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त काफी लंबा है। इस बार बहनें दिन भर में किसी भी समय अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, यह अच्छी बात है। मान्यताओं के अनुसार राखी हमेशा भाई के दाएं कलाई पर ही बांधनी चाहिए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं। हिंदू मान्यताओं में दाएं हाथ को हमेशा शुभ माना गया है और माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ या फिर शुभ काम हमेशा दाएं हाथ से किए जाने चाहिए। ऐसा कहते हैं कि रक्षा सूत्र बांधने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही वजह है कि राखी हमेशा दाएं हाथ में बांधी जानी चाहिए और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब से आप भी दाएं हाथ में राखी बंधवाएंगे या फिर जो बहनें देख रही हैं वो दाएं हाथ में राखी बांधेंगे। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस बार 15 अगस्त को सुबह 5:49 से शुरू होगा और शाम 6:01 पर बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। वैसे सुबह 6 से 7:30 या फिर सुबह 10:30 से दोपहर 3 तक राखी बांधने का सबसे अच्छा मुहूर्त है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ये हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी.com पर देख रहे हैं तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।